सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, छोटी सी सूचना देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। सीटेट 2021 और 22, 2021 और 2022 की होने वाली सीटेट की परीक्षा में जो संस्कृत विषय को लेकर के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की तैयारी करने वाले हमारे परीक्षार्थी, उनके लिए ये कक्षा हम चलाने जा रहे हैं। कक्षा 25 तारीख सोमवार से आरंभ होगी। कक्षाएं देववाणी संस्कृतम इसी YouTube चैनल पर लाइव सभी के लिए दी जाएंगी और ये जो सेशन होगा ये पूर्णतः आपका निशुल्क होगा। इस सेशन के अंदर हम संस्कृत संबंधी आपकी पूरी तैयारी कराएंगे। इसके बाद में आपको थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि आप सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं। सीटेट की परीक्षा के लिए आपने फॉर्म को फिलअप किया है, तो सीटेट की आप तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है और आप हमसे सीटेट की तैयारी में क्या सहयोग ले सकते हैं और हम आपका क्या सहयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, आइएगा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि सीटेट में क्या आता है। और देखिए, सीटेट के दो पेपर होते हैं, आप सभी जानते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो फर्स्ट पेपर होता है मित्रों, वो कक्षा एक से कक्षा पांच तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षक बनने के लिए होता है। और जो कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षक बनने के लिए पेपर सेकंड होता है। दोनों पेपरों की हम तैयारी कराएंगे। देखिएगा, दोनों पेपर आपके 150-150 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये गूगल से निकाला हुआ है, आप भी निकाल सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये आप देखिएगा, ये फर्स्ट पेपर का है। फर्स्ट पेपर में आपको इस प्रकार से होता है मित्रों, ये आपको देखिएगा, ये सब्जेक्ट यहाँ दिए हैं आपके, ये आप देख लीजिएगा, ये यहाँ पर इन्होंने पांच पॉइंट में बांटा है। ये बाल विकास एवं शिक्षण, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, गणित और पर्यावरण। इसमें क्या होता है मित्रों, हम आपकी जो तैयारी कराएंगे वो किसकी कराएंगे, इसकी कराएंगे, ध्यान दीजिएगा। आप मार्क्स देख रहे होंगे, इसके लिए 30 मार्क्स हैं, भाषा एक के लिए 30 मार्क्स हैं, भाषा दो के लिए 30 मार्क्स हैं और गणित के लिए 30 और पर्यावरण के लिए 30 मार्क्स। मित्रों, ये सब्जेक्ट हम नहीं कराएंगे आपके, ये पर्यावरण का नहीं कराएंगे, गणित का भी नहीं कराएंगे और बाल विकास एवं शिक्षण का भी हमारा उस पर कोई फोकस अधिक नहीं होगा। हमने आपको पहले कहा कि हम आपकी भाषा फर्स्ट और सेकंड के ऑप्शन, जो ऑप्शन है यहां पर, ये जो यहां पर संस्कृत भाषा को लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां संस्कृत भाषा को लेते हैं भाषा एक में, उनकी तैयारी कराएंगे 30 मार्क्स की। और भाषा दो के अंदर जो पाठक संस्कृत भाषा को लेते हैं अथवा हिंदी को लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अथवा हिंदी को लेते हैं, उन पाठकों की तैयारी हम कराएंगे 30 मार्क्स। कितने हमारे मार्क्स हो गए आपके, हम आपके 60 मार्क्स की तैयारी कराएंगे, ठीक है, 60 मार्क्स। यदि आप भाषा दो में संस्कृत और हिंदी के अतिरिक्त कोई भाषा लेते हैं फिर आप की हम कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, ये 60 मार्क्स हैं, ये मिनट दी गई है, जो पेपर होता है आपका वो 150 मिनट का होता है, अर्थात 150 ही प्रश्न आते हैं, 150 ही मार्क्स होते हैं और 150 ही मिनट होते हैं, अर्थात एक मिनट एक नंबर एक प्रश्न।
करना होता है, ठीक है। तो आप हमसे, हम आपकी तैयारी कराएंगे भाषा एक संस्कृत सब्जेक्ट, भाषा दो संस्कृत अथवा हिंदी। इसमें ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये जो 60 मार्क्स हैं इसमें भाषा ये फर्स्ट में और भाषा सेकंड में तो पेपर हो, इसका जो प्रश्न आते हैं तो उसमें पेडागोजी आती है। क्या पेडागोजी आती है? तो पेडागोजी है वो इसमें 15 मार्क्स की इसमें लगभग आती है, 15 मार्क्स की इसमें आती है। मानिएगा कि ध्यान देंगे, जो पेडागोजी है वो 15 मार्क्स की 15 मार्क्स की आती है, अर्थात आपकी इसमें 30 मार्क्स की पेडागोजी आएगी। 30 मार्क्स की हम पेडागोजी को आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपको 30 मार्क्स लाने में हम आपकी सहायता कर सके मित्रों, ठीक है। ये ध्यान देंगे, ये है आपका फर्स्ट पेपर कक्षा 1 से 5 तक का, ठीक। इसी प्रकार से आपका जो कक्षा जो सेकंड पेपर होता है आपका ये सीटेट परीक्षा पैटर्न पेपर सेकंड, उसमें भी आपका यही होता है। केवल जो अंतिम पॉइंट था वह पर्यावरण था, पर्यावरण की जगह यहां पर क्या कर देते हैं गणित विज्ञान सामाजिक एक पॉइंट बना देते हैं, ठीक है। और जो वहां गणित अलग था उसमें गणित इसी में रख देते हैं, और हम जो आपकी तैयारी कराने जा रहे हैं वो इसकी कराएंगे। ध्यान दीजिएगा यहां पर भी आपके लिए 60 मार्क्स हैं, ये कितने 60 मार्क्स हैं। इसमें भी आपका यहां जो संस्कृत सब्जेक्ट होगा उसी की हम आपकी सहायता कराएंगे, ठीक है। और यहां संस्कृत और हिंदी दोनों की करा देंगे, ठीक है। जो सेकंड पेपर में जो हिंदी वाले हैं उनकी भी हम तैयारी कराएंगे, और यहां पर भी इसमें भी पेडागोजी आती है 15 मार्क्स की, और कभी तो 15 से अधिक की भी आती है, भी ध्यान रखेंगे। और जो इनका अपना भाषा का हो जाता है, जो विषय मैन है उसका कम रखते हैं, उसके संबंध में जो पेडागोजी है उसका अधिक रखते हैं। तो ये हम आपकी पूरी तैयारी कराएंगे, ये वाली तैयारी नहीं कराएंगे। इसमें हम आपकी 2 पॉइंट की तैयारी करा देंगे। यहां पर भी आप हमसे 60 मार्क्स लाने में सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। ये भी 150 का होता है, 150 मार्क्स का होता है, और 150 मिनट्स होती है इसके लिए भी, और 150 प्रश्न आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने इसका जो एक ये बता दिया कि परीक्षा का जो फॉर्मेट है वो इस प्रकार का होता है। अब मैं आपको ये बताना जा रहा हूं कि आपका जो प्रश्न पत्र आता है, और ये भी है कि जो अब की बार की परीक्षा होगी 2021 और 22 की वो ऑनलाइन होगी, अभी ऑफलाइन होती थी, अब ऑनलाइन परीक्षा होगी। तो उसके बारे में हम आपको आगे और भी बता देंगे कि आप ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी, अर्थात ऑनलाइन वो जो 1.5 घंटे के अंदर आपको कंप्यूटर से जो परीक्षा देनी होगी वो कैसे दें, इसकी जानकारी मैं अलग से एक आपके लिए वीडियो बना करके सबको दूंगा। तो चलिए मित्रों, ये तो मैंने ये बता दिया। अब मैं आपको इसका एक प्रश्न पत्र जो मॉडल पेपर रूप में आप उसको देख लीजिएगा कि ऐसा आता है। क्योंकि यदि आप संस्कृत लैंग्वेज ले रहे हैं तो आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो भी मित्रों संस्कृत का ही होगा। ये आप देखिएगा, ये है आपका पेपर, ये है आपका कक्षा भाग, ये संस्कृत वाला ये भाग उसमें आ रहा था 4 में भाषा, तो भाषा का पेपर है, ठीक है। ये इस प्रकार से इसमें 1 मिनट, हाँ ये आप इसका मॉडल देख लीजिएगा, ये दोनों का फर्स्ट पेपर का है और सेकंड का भी ऐसा ही आता है। उसमें क्या है, पूरा संस्कृत टू संस्कृत ही आता है, इसमें हिंदी नहीं आएगी। जो संस्कृत लेंगे उनके लिए हिंदी नहीं आएगी, ध्यान रखेंगे। हाँ, जो सेकंड पेपर में
लैंग्वेज के सेकंड पेपर में जो हिंदी ले रहे हैं वहां तो हिंदी आ सकती है, परंतु संस्कृत वाले में संस्कृत टू संस्कृत, संस्कृत में ही प्रश्न है। देखिएगा ये यहां पर आपका ये गद्यांश पहले दिया गया है, इसमें से आपको प्रश्न छाटने के लिए मिलेंगे। अब यहां दिया हुआ अधो लिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानां ये 91-99 विकल्पात्मकोत्तरेभ्य उचिततम उत्तरम चित्वा लिखत। पहली बात तो ये प्रश्न समझ में आना चाहिए, प्रश्न क्या है संस्कृत में, संस्कृत का प्रश्न आपको कब समझ में आया, जब संस्कृत भाषा आती हो तो उसकी भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो चैनल के माध्यम से हम उसकी भी आपकी तैयारी करा देंगे। तो ये देखिएगा ये गद्यांश दे दिया है, अब यहां पर ये इसी में से प्रश्न बनाए गए वैकल्पिक, तो ये आपको प्रश्न करने हैं, इनका भी हम प्रैक्टिस कराएंगे। और ये आपके जो गद्यांश हैं, गद्यांश हम आपको काफी पर्याप्त मात्रा में आपको पढ़ा देंगे, जिससे आप ये वाला कर लेंगे। ये इसमें से बहुत मार्क्स का है, ठीक है, ये इसी के प्रश्न है 99 तक इसमें से छांट के निकाले गए हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसी प्रकार से ये है यहां पर आपका ये दिया है पद्यांश, वो गद्यांश था ये पद्यांश है, श्लोक दे दिए हैं। तो इन श्लोकों में से आपको यहाँ पर एक प्रश्न छाटने के लिए बताए गए हैं कि श्लोक में क्या बताया गया, ये आप जब श्लोक का अर्थ समझ पाएंगे तभी आप इसमें से प्रश्नों को छाट करके अपना गोला कर पाएंगे पक्का, ठीक है। चलिएगा ये हुआ इसी प्रकार से, इसमें देखिएगा ये और ये हो गया आपका, और ये पेडागोलॉजी, ये पेडागोजी है आपकी, ये पेडागोजी है, पेडागोजी के भी बहुत सारे प्रश्न हैं, परंतु सब संस्कृत के माध्यम से ही पूछे गए हैं। ये आपको संस्कृत आनी चाहिए तभी आपको समझ में आएगा कि पूछ क्या रहे हैं, और जब ये समझ में आएगा कि पूछ ये रहे हैं तभी आप उत्तर देने में समर्थ होंगे। जब यही समझ में नहीं आया आपको कि पूछ क्या रहे हैं तो आप उत्तर नहीं दे सकते सही, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है बताइए आपको, ठीक है। तुक्का भी लगाते हैं लोग, तुक्का लग भी जाते हैं कभी कभी, पर तुक्का से हम ज्यादा विश्वास करते हैं समझ करके उत्तर लिखने में, वही करना चाहिए। और ये इसका ये इसका सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर का भी बिल्कुल ऐसे यही आता है, ऐसे ही उसमें गद्यांश देते हैं और ये उसमें प्रश्न छाड़ने के लिए देते हैं, ठीक है। और फिर ये गद्यांश दो दो गद्यांश दिए मानिएगा, देखिएगा। और फिर आपका इसमें भी ये कुछ व्याकरण का दिया हुआ है, व्याकरण संबंधी इसमें देते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा ये आपको यहां पर ये सब दिए हैं, ये पेडागोजी का प्रश्न प्रश्न आ गए हैं, तो ये हम आपकी पूरी तैयारी करा देंगे, ठीक है, अच्छी प्रकार से। तो ये इस प्रकार का प्रश्न आएगा, तो ये मैंने आपको प्रश्न पत्र इसलिए दिखाया, गूगल पर भी देख सकते हैं आराम से, कि ये संस्कृत भाषा में ही आएगा। आपको इतनी संस्कृत भाषा आनी चाहिए कि आप इस प्रश्न पत्र को पढ़ करके समझ सकें, उसके बाद उत्तर देने का नंबर आएगा। तो ये छोटी सी जानकारी मित्रों मैंने आपके साथ शेयर की है, और आप अब मेरे साथ में जुड़ जाइएगा, ठीक है, तैयार रहते हैं हम आपको 25 तारीख से परीक्षा ये तैयारी कराने का प्रारंभ कर रहे हैं, मंगल करेंगे, ठीक है। तो लाइव मिलेंगी आपको, बाद में भी आप देख सकेंगे, कोई भी हम आपसे शुल्क नहीं ले रहे हैं, और हम संस्कृत के जानकार हैं, और इसमें हमें आपको संस्कृत का महान पंडित नहीं बनाना है, आपको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट हमको सामग्री उपलब्ध करानी है, और हम कोशिश करेंगे आपको नोट्स भी उपलब्ध करा दें, कोई भी हम पैसा नहीं लेंगे, आपका जो भी आपकी श्रद्धा बन सके दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी जब जॉब लग जाए तब दे देना। चलिएगा मित्रों ये छोटी सी सूचना है, जुड़ जाइएगा, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, वो भी संस्कृत भाषा में अपना कैरियर बना सके। सर्वेभ्यो नमः।